ओके सर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांसिया और स्वागत है आपका और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज जिस हिसाब से स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, दे हैव सेड दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग फॉर 8 to 10 marks। एंड ऑब्वियसली इसी के लिए मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे रहा हूं आपको, सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन, जैसे कि बाकी सारे भी कॉन्सेप्ट हैं। बट बिफोर दैट, इंश्योर दैट आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखा है विद बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आपने ये वीडियो डाला नहीं, बट डाला होता है, बिकॉज आपने बेल आइकन नहीं किया है तो आपको कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता होगा। क्लिक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर एनी अपडेट रिलेटेड टू पेपर 2 AFM और पेपर 6 IBS एंड ऑब्वियसली SCPM से रिलेटेड चीजें तो मिलती ही रहेंगी। ओके गाइस, चलो सो स्टार्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली ये शेयर कर लेना वीडियो या लाइक कर लेना वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु वुड ऑल्सो वॉन्ट एनी गाइडेंस एज रिलेटेड टू SCPM। बाकी AFM के भी मेरे वीडियोज में भी काफी सारे बना रहा हूँ, श्योर शॉर्ट सक्सेस वाली, तो कमेंट्स में आप लोग वो भी बता सकते हैं आपको उसमें कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट चाहिए या इन जनरल और कुछ भी नॉलेज चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं आपको क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा विद माय ओन एग्जांपल, जो ICI से ही कनेक्टेड एग्जांपल है, एंड देन उससे रिलेटेड जो थियरी है उसको थोड़ा सा अपन लोग रीड कर लेंगे एंड विल बी डन। बाकी नोट्स वोट्स आपको कुछ भी ऐसा एडिशनल चीज चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, प्लीज डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है एंड देन यू रियलाइज दैट ओ मैंने तो वो टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन नहीं किया, सो लेट दैट नॉट हैपन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट एस्पेक्ट थ्योरी का लास्ट एस्पेक्ट, उसके बाद अपन सम्स पे चलेंगे, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ MCT एंड MCE, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम अपने को बताएगा कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अपने को बताएगा कि कैसे उनको इंप्रूव किया जा सकता है, ऑब्वियसली बाय एलिमिनेटिंग द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो पहले अपन लोग समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, उसके बाद अपन समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम मतलब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम द टाइम द कस्टमर गिव्स द ऑर्डर टू द एंड टिल द टाइम द कस्टमर रिसीव्स द ऑर्डर, ये जो पूरा साइकिल है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी मतलब ये एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है इनको अपन, इनका जो नॉन वैल्यू एडेड पार्ट है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आइए, सो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम पे अपन पहले फोकस कर रहे हैं, विच इज दिस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, नेक्स्ट पेज पे है। आइए, जनरल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर, पहले तो कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास रिसीव होगा, तो ये जो ड्यूरेशन है ना इसको कहते हैं रिसीप्ट टाइम। इसको कहते हैं रिसीप्ट टाइम, कब से कब तक, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तब से लेकर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग टीम। अब मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास ऑर्डर आ गए तो से फॉर एग्जांपल यहां पे से 1st तारीख को कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग से 3rd, तो 1st मॉर्निंग को सपोज इसने रिसीव दे दिया, 3rd मॉर्निंग को रिसीव हो रहा है मैन्युफैक्चरर के पास, रुकावट के लिए खेद है, हाँ 3rd मॉर्निंग को रिसीव हो रहा है मैन्युफैक्चरर के पास। सो मुझे लगता है कि रिसीव टाइम इधर कितना आ गया, 2 डेज का, भाई 1st का पूरा, 2nd का पूरा, 3rd मॉर्निंग को तो उसको मिल ही गया, सो 2 डेज का इधर मेरा हो गया रिसीव टाइम। अब ऑब्वियसली ये वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड है, 100% नॉन वैल्यू एडेड सर, भाई डाउट मत रखना, समझे वैसा। अच्छा अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद हो गया, बट मशीन, अभी मेरे पास ऑर्डर आ गया, मैं फैक्ट्री में बैठा हूं, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मेरे पास अब ऑर्डर आ गया 3rd मॉर्निंग को, अब मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कब करता हूं, समझो मैं 4th मॉर्निंग को स्टार्ट करता हूं, सो मशीन सेटअप बिगिंस फॉर द ऑर्डर, तो वो मैं 4th मॉर्निंग को स्टार्ट करता हूं।
तो इन सच केस मशीन सेटअप बिगिंस फॉर द ऑर्डर, तो ये क्या हो गया, वेटिंग टाइम। अब ऑर्डर आ गया अपने पास, अपन कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास, प्रोडक्शन टीम के पास ऑर्डर आ गया है, बट मशीन सेटअप और पूरा वो काम कब स्टार्ट होता है, फोर्थ मॉर्निंग को। ऑर्डर मैन्युफैक्चर बिकम्स फिनिश गुड, सपोज ये सेवेंथ मॉर्निंग को रेडी हो जाता है, ठीक है, तो या एट्थ मॉर्निंग को, चलो ये एट्थ मॉर्निंग को रेडी हो जाता है, तो कहना इसे ये रियल मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, कितने डेज का, फोर्थ मॉर्निंग, फिफ्थ मॉर्निंग, सिक्स्थ मॉर्निंग, सॉरी फोर्थ पूरा जो फोर्थ मॉर्निंग से इवनिंग तक, फिफ्थ मॉर्निंग से इवनिंग तक, सिक्स्थ मॉर्निंग से इवनिंग तक, सेवेंथ मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो 4 डेज मेरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइम है। एंड फाइनली अब ये इधर फिनिश गुड बन गया है, बट कस्टमर को भी डिलीवर करना पड़ेगा कुरियर के थ्रू या किसी ऐसे सर्विस के थ्रू। सपोज ये कस्टमर को डिलीवर होता है 11th को, सपोज ये कस्टमर को डिलीवर होता है 11th को मॉर्निंग में, तो कितना टाइम गया उसको, 8th, 9th, 10th, 3 डेज हो गया मेरा इधर डिलीवरी टाइम, 3 डेज हो गया मेरा इधर डिलीवरी टाइम, इधर 1 डे हो गया मेरा वेटिंग टाइम। हे संजुगड़ू, बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर एवरीबॉडी। तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, कस्टमर के पास से ऑर्डर आया, इधर से अपना गेम शुरू हुआ, अपन ने भेजा मैन्युफैक्चरिंग टीम को, मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास आया, मैन्युफैक्चरिंग टीम ने मशीन को सेटअप किया, मशीन सेटअप होने के बाद प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर को डिलीवर किया, वो टोटल 11 दिन लग गया, 2 दिन रिसीप्ट बिटवीन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फिर मशीन सेटअप में 1 दिन, 3, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली करने को 4 दिन लग गया, तो 7, 3 दिन डिलीवरी में, 10 दिन, तो 10 डेज का टोटल ये प्रोसेस हो गया। समझे क्या, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम कहने से इधर अपना हो गया 10 डेज का, भाई कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम इन द सेंस कि भाई कस्टमर ने ऑर्डर कब दिया था, 1st को, खत्म कब हुआ, 10th रात को, ताकि 11th को, भाई 11th को उसको मॉर्निंग में मिला, तो 10 दिन लग गया ना यार, समझे क्या। चलो इसको थोड़ा अपन लोग पढ़ लेते हैं, आओ पढ़ लेते हैं इसको, ये देखो ये रहा वो डायग्राम, ये रहा वो डायग्राम है भाई। चलो रिसीप्ट टाइम इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू स्पेसिफाई टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इन कस्टमर्स ऑर्डर। तो आ गया ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट के पास, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास, अब वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जब तक जाके बताएंगे तब तक का जो टाइम है इसको कहते हैं रिसीप्ट टाइम। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस टाइम, टाइम ड्यूरिंग विच अ रॉ मटीरियल और WIP इज अंडरगोइंग कन्वर्जन एक्टिविटी और द अमाउंट ऑफ टाइम वर्क इज एक्चुअली डन ऑन प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या है, ये पूरा ये 5 दिन का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है बेसिकली, ठीक है, ये है मेन मैन्युफैक्चरिंग टाइम, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम या प्रोसेस टाइम, मेन टाइम, व्हेन रॉ मटेरियल इज अंडरगोइंग कन्वर्जन एक्टिविटी ऑन द प्रोडक्ट। समझे क्या, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स फ्रॉम द टाइम एन ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। समझे क्या, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ समझ जाओ, अब तक तो उतना वेवलेंथ, उतना इशारा, आंख ही आंख में इशारा हो गया, होना ही चाहिए। क्या आप इसका खुद से अपने नोटबुक में बिना देखे बनाए मुझे फोटो भेजेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भेजेंगे तो नुकसान किसका है, आपका, ठीक है। सो प्लीज एज इट इज बिना देखे फोटो खींच के आपको भेजना, आप बोलेंगे सर ये देखो ये मैंने खुद से पूरा बनाया है, बेटर प्रेजेंटेशन चाहिए आप मेरे से, ठीक है। चलो
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इंक्लूड्स ऑल टाइम ऑल फॉर्म ऑफ टाइम अ प्रोडक्ट स्पेंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग टाइम ड्यू टू स्टैंडिंग इन क्यू। अभी देखो ना, हो सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग टाइम के पास आ गया हो, बट तब तक उसके पास रॉ मटेरियल ना हो या मशीन अवेलेबिलिटी ना हो, वो सब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में आ जाएगा इनबिल्ट। ड्यू टू स्टैंडिंग इन क्यू और ड्यूरिंग द टाइम दे वर मूव्ड बिटवीन ऑपरेशंस वेटिंग फॉर पार्ट्स और ड्यू टू मशीन सेटअप। However, it does not include the waiting time, that is receive time. ये manufacturing cycle time में नहीं आएगा, ये manufacturing cycle time में नहीं आएगा। चलो, how similarly MCT does not include delivery time as it is related to the period after manufacturing of product has been completed. Done? Clear? Okay. So, ये वाला टाइम भी नहीं आएगा, तो रिसीव टाइम भी नहीं आएगा, डिलीवरी टाइम भी नहीं आएगा, किस में? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में। है भाई, डन? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इनसाइड रिलेटेड टू एमसीटी। इसमें लोग बेसिकली बता रहे हैं कि जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको आप एलिमिनेट या रिमूव करने की कोशिश करो। जैसे वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर टास्क्स इफ एलिमिनेटेड वुड रिड्यूस द एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू और यूटिलिटी द कस्टमर रिसीव फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट सच एज टाइम एक्चुअली स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट। रेस्ट ऑफ एमसीटी रिप्रेजेंट्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो एक देखो एमसीटी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम जो है ना, इसमें भी तो इस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम का जो ड्यूरेशन है इसमें भी तो वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड है। अब वैल्यू एडेड वो है जो कस्टमर को एक्चुअली चाहिए, बाकी सब जो बच गया वो नॉन वैल्यू एडेड है। द रेस्ट ऑफ द एमसीटी रिप्रेजेंट्स नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज दैट इफ एलिमिनेटेड वुड नॉट रिड्यूस द एक्चुअल और परसीव्ड वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट। मतलब वो नहीं भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वैल्यू एडेड साइकिल टाइम आर time the product spends waiting for parts or for the next stage in production process being inspected or repaired and being moved. By identifying and minimizing the sources of non-value added cycle time, companies can increase customer responsiveness while reducing costs. So in short, आप non-value added activities को remove करो, manufacturing cycle time को कम करो ताकि customer को जल्दी मिले और customer आपको value करे। सर ये सब learn नहीं करना है, आएगा तो लॉजिकली भी लिख ही पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साइकिल टाइम, साइकिल टाइम क्या होता है? ये जो टोटल 10 दिन लगा है ना, ये साइकिल टाइम है। ये जो टोटल 10 दिन लगा है ना, ये साइकिल टाइम है। अब द लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम ऑर्डरिंग टू सेलिंग एन आइटम इन अ रिटेल एनवायरमेंट इज कॉल्ड साइकिल टाइम। NVA activities in retail include shipping time from supplier, delays in receiving department in order to count the merchandise, any storage time between receipt and sale, इसमें सब आ गए। In a service company, cycle time may refer to time between service order and service completion. All time spent on activities that do not enhance service performance, such as delays in starting work on service order, is considered NVA. समझो, आपने आज हमारे पेन ड्राइव को ऑर्डर दिया और हम उसको दो दिन बाद प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो दो दिन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, कस्टमर को वो पसंद नहीं आएगा, बता दूं मैं। कंपनीज दैट कैन एलिमिनेट वेटिंग टाइम फॉर अ सर्विस विल फाइंड इट इजियर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। सीधी सी बात है, मतलब अगर जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देगा उसके पास कस्टमर भागा चले जाएगा। The time taken to process mortgage and loan application by financial institutions can involve a considerable amount of non-value added waiting time. हो सकता है उनके cases में non-value added time हो। Thus, reducing the time to process application enhances customer satisfaction and creates the potential for increasing sales revenues. Clear? Absolutely set है। अब last है delivery time. Delivery time is how long it takes to deliver a completed order to customers. सही है, देखो इतना मेहनत करके आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये सब चीजें क्लियर हो आपको।
फ्रेंकली बोलू तो पढ़ाता नहीं है ये सब थियोरी, कोई पढ़ाता नहीं लगता है ठीक है ना, क्योंकि से आइडियली चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो लोगों को लगता है छोड़ना क्या पढ़ाने का ये सब ऐसा, बट अपने को ऐसा क्यों करना, अपने को सब चीज करना ही है तो ढंग से करेंगे। दिस इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डिलीवर अ कंप्लीटेड ऑर्डर टू कस्टमर्स। कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स फ्रॉम द टाइम अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट टू द टाइम प्रोडक्ट इज डिलीवर टू द कस्टमर्स। इसको बोलते हैं साइकिल टाइम या इसको CRT कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं। ठीक है चलो अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, ये क्या होता है, ये बोलता है कि भाई जहां जहां पे भी आपको नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी दिखा है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको इंस्पेक्शन नॉन वैल्यू एडेड लग रहा है तो हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, टोटल क्वालिटी कंट्रोल या जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा क्वालिटी लाओ कि आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। बोलो मूविंग टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग ये चैप्टर 3 में आएगा, तो उससे सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग से मूविंग टाइम एकदम रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो इधर मैंने जो आप लोगों को बताया था ये फैक्ट्री 1 मशीन 1 से मशीन 2 मशीन 2 से मशीन 3 मशीन 4 से मशीन 5 ये मूव हो रहा है, इतना टाइम ले रहा है खत्म। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सीधा खटाखट सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में एक छोटा सा सेल होता है, ऐसे मशीन होती है 1, 2, 3, 4 और 5 समझो, मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन 5 आई खट 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 एकदम यहां से मूव ऑटोमेटिकली सीधा ये सब मूव हो जाता है एंड खत्म। इसको कहते हैं सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। तो आप सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करो ताकि आपका मूवमेंट वाला टाइम खत्म। चैप्टर 3 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। वेटिंग एंड स्टोरेज टाइम हो रहे हैं चैप्टर 3 में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। वेटिंग और स्टोरेज का मचमच ही नहीं रहेगा क्योंकि जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा तब भी मैं सप्लायर को बोलूंगा चल सप्लायर माल लेकर आ, रॉ मटेरियल लेकर आ। वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा मेरे पास, जैसे ही वो मेरे पास रॉ मटेरियल लेकर आएगा वेटिंग टाइम ही नहीं सीधा प्रोडक्शन में चालू कर दे, स्टोर करने का झंझट ही नहीं। सो MCE बेसिकली होता है योर प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। ठीक है अब इधर देखो ये जो है ना ये प्रोसेसिंग टाइम है, ये जो है ना ये प्रोसेसिंग टाइम है और ये है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। ठीक है तो अगर समझो आपका प्रोसेसिंग टाइम है 60 मिनट्स और आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है 100 मिनट्स, इसका मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है खाली 60%, 40% आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग टाइम है। ठीक है अगर जितना भी प्रोसेसिंग कर रहे हो वो सबका सब वैल्यू एडेड है तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समझो प्रोसेसिंग टाइम 50 मिनट्स और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम भी 50 मिनट्स, तो ये 1:1 का रेशियो आ गया, ये हो गया 100%, ये हो गया 100%। तो अगर आपके सब एक्टिविटीज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है 100%। बट अगर ऐसा है 60% वाला तो आप प्लीज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को रिमूव करो ताकि 60% से बढ़ते जाए, जितना हायर परसेंटेज उतना बेटर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम मतलब बेसिकली अगर इसको मेरे को बोलना ना तो वैल्यू एडेड टाइम अपॉन वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, ये जो मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं ना वो भी लिख लेना प्लीज, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम है भाई, समझ गए प्लीज कॉपी। ठीक है परफेक्ट MCE 1 दैट इज ऑल वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, MCE 0.5 मींस 50% आर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, एनीथिंग बिलो 1 मींस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको रिमूव करो। एक एग्जांपल दिया है बहुत ही अच्छा, अपन सब डॉक्टर के पास गए हैं छोटी मोटी बीमारी के लिए, लेट्स होप किसी को बड़ी बीमारी हुई ना हो, तो अपन सब डॉक्टर के पास गए छोटी मोटी बीमारी के लिए, तो बीट समझो जुकाम सर्दी बुखार
तो नॉर्मल है, तो ये सब के लिए अपन डॉक्टर के पास गए अगर, ठीक है। अब अगर जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या सीधा अपन एंटर करते हैं उनके डॉक्टर की डिस्पेंसरी में और सीधा अपने को एंट्री मिल जाती है, या पहले थोड़ा अपने को भरना पड़ता है आपका नाम क्या है, क्या से आए हो ये, फिर बाद में वेट करो, फिर बाद में अपने पास डॉक्टर एक्चुअली स्टेथोस्कोप लेकर अपने को चेक करता है, फिर जाओ फिर वापस से दवाई के लिए वेट करो, फिर जाके अपना काम खत्म होता है, ऐसा होता है ना। सो इसमें से वैल्यू एडेड टाइम कौन सा है? खाली वो टाइम जब मैं डॉक्टर के केबिन में, डॉक्टर जब मेरे को स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा था, बाकी सारा तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम है ना। तो क्यों ना अपन ये सब डॉक्टर्स को जाके एक सजेशन दे कि आप अपना वैल्यू एडेड टाइम को बेटर करो, नॉन वैल्यू एडेड टाइम को एलिमिनेट कर दो, ताकि आप ज्यादा क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, जो आपके ज्यादा पेशेंट्स को आप एड्रेस कर पाओगे। आओ यहां पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल। मैं एक डॉक्टर के पास गया और 50 मिनट का उधर टाइम था, मैंने देखा 10 मिनट तो मेरा एडमिन टास्क में गया, नॉन वैल्यू एडेड, वेट करना पड़ा, नॉन वैल्यू एडेड। अब इसको मिनिमाइज करना है, सिंस टाइम अलाउ डॉक्टर्स टू ट्रीट मोर पेशेंट, अगर मैंने ये मिनिमाइज कर दिया तो डॉक्टर ज्यादा टाइम दे पाएगा पेशेंट्स में, प्लस नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ जाएंगे क्योंकि वेटिंग टाइम कम हो जाएगा आपका। मतलब खाली 15 मिनट में नर्स या डॉक्टर के पास था, जो मेरा रियल वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। सो 15 बाय 50 खाली 30%, क्या बोला, ओनली 30% इज माई वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सो अपने को मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। अब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है, वैल्यू एडेड डिवाइड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड, मतलब 15 वैल्यू एडेड, 15 और 50 क्या है, वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड। ए सब्जिगड़ू, क्लियर एफा। ठीक है, प्लीज कॉपी। चलो चलो भाई, ओके, ब्रेक लेने का टाइम आ रहा है, डोंट वरी। सिर्फ एक काम कर लेते हैं अपन, रीड कर लेते हैं इतना पार्ट छोटा सा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही, और कुछ नया नहीं, डोंट वरी। टू रिड्यूस दैट एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, इंस्पेक्शन टाइम कैन बी रिड्यूस बाय कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूसी, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, या जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, खलास। मूविंग टाइम कैन बी रिड्यूस बाय डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, वेटिंग स्टोरिंग टाइम कैन बी रिड्यूस बाय जेआईटी, JIT eliminate a significant amount of idle time, especially storage, and increase the manufacturing cycle efficiency. JIT also has a positive impact on engineering, purchasing, warehousing, receiving, accounting, human resource, marketing. बराबर है, and ठीक है, chapter 3 में और detail में पढ़ेंगे। The term efficiency can be interpreted to mean manufacturing related value addition. So MC is the ratio of value addition time to total time taken, processing time which is value addition divided by manufacturing cycle time, value addition plus non-value addition. Subjugdude. Chalo, perfect MC would yield a ratio of 1. Barabar hai? Any non-value added activity time would take MC to less than 1. MC 0.5 means that there are 50% non-value added activities. Less than 0.1 means 90% of the time is spent on activities that do not add value. वैसा कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ 50 मिनट डॉक्टर, वो जो भी मैंने बताया, 10 मिनट फिलिंग द फॉर्म, 25 मिनट वेटिंग, 15 मिनट विद द डॉक्टर गिव्स ओनली 30% एमसीई। अगर उधर अपन ने जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको मिनिमाइज कर दिया, देन छगास वी विल बी एबल टू से दैट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकता है इवन फॉर सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? इसी के साथ आज का ये डरावना थ्योरी या थियरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब इस थियरी पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सम्स है, वो करने में मजा आएगा, डोंट वरी, वो अब अपन करेंगे। चलो भाई, आर यू रेडी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो ऑब्वियसली उसके पहले अपन क्या लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, अल्प विराम लेंगे। प्लीज आप लोग ब्रेक में थोड़ा पढ़ लेना, ऑब्वियसली लेक्चर के बाद पढ़ोगे और डिटेल में, मुझे पता है, विश्वास है। ये आप लोग को बना के मुझे इसका फोटो भी भेजना है, चीटिंग नहीं, ठीक है ना, वो सब करो, पढ़ लो थोड़ा वापस से, गो थ्रू कर लो, थियोरी है उसको अपन लोग ने सिंप्लीफाई यहां पे करने की कोशिश एनी विच केस की है। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू। ओके देन, सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको पूरी तरह से।
मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ढंग से करके जाना। अगर 8 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए आता है तो एंश्योर दैट यू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस कॉन्सेप्ट। एकदम एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए अपन। बाकी टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड लेट्स मीट फॉर अनदर वन, स्टे सब्सक्राइब। एंड आपको कोई और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। बाय।